हाय डियर्स, मैं कुसुम सिंह आज आपको बताना चाहती हूँ। आप न्यू भवन खरीद कर लाए हो तो आपको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए न्यू भवनों के अंदर? मेरे घर पर दो न्यू भवन आए हैं तो आप देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। डियर्स, ये दोनों भगोनों की प्लेट्स हैं। मैंने 2 लीटर मिल्क ले लिया है। अब आप देखिए मैं क्या करने वाली हूँ इस मिल्क का। इस मिल्क को मैं भगोने के अंदर डाल लूंगी। डियर्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए। मैंने भगोने के अंदर मिल्क को डाल लिया है, आप देख सकते हो न्यू भगोने के अंदर। आपको न्यू भगोने के अंदर मिल्क गर्म करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है न्यू बर्तन में मिल्क गर्म करना। आपको भी सबसे पहले मिल्क गर्म करना चाहिए न्यू भगोने के अंदर। इस दूसरे भगोने में मैं क्या बनाने वाली हूँ डियर्स, आप पूरी वीडियो को देखिए। डियर्स, मैंने न्यू इस पॉट में मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। न्यू भगोने में मैंने खीर बनाई है डियर्स। खीर को मैं बादाम से डेकोरेशन कर लूंगी। खीर को मैंने बादाम से डेकोरेशन कर लिया है। मैंने इस खीर को बनाया है मिल्क, राइस, शुगर, आप खीर बनाकर भगवान को चढ़ाएं सबसे पहले। और आप गेस्ट्स को भी खिला सकते हो खीर, अगर आपके घर पर गेस्ट्स आए हुए हो, पड़ोसी के घर भी दे सकते हो आप। डियर्स, मैंने खीर बनाई है न्यू भगोने में और एक भगोने में मैंने मिल्क गर्म किया है, एक में खीर बनाई है। आप मेरे घर पर दो भगोने आए हों इसलिए अगर आपके घर में एक आया है तो आप दोनों में से एक कुछ बना सकते हो। और आप फ्राइडे को ही न्यू भगोने में बनाएं कुछ मिल्क का, जैसे खीर या दूध गर्म करना। और ये खीर आप माता रानी को भी चढ़ाएं और मंदिर में चढ़ाएं। डियर्स, वीडियो तो बहुत ही अच्छी बनी है, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरी इस वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए मेरी इस वीडियो पर, शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को।
और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए डियर्स, मेरी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स डियर्स।